नमस्कार, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। देखिएगा, एक मेल हथेली हमारे सामने है और हथेली का आकार यहाँ पे आयताकार दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से एक सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति हैं आप, सेल्स और मार्केटिंग के गुणों में एक्सपर्ट हैं आप और जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति की और जो है अग्रसर हैं और जीवन में निश्चित रूप से 35वें से लेके और 55वें वर्ष के बीच में धन के बड़े सुंदर योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। खासकर जीवन का 42वां वर्ष, जीवन का 56वां वर्ष, जीवन का 35वां वर्ष आपके लिए कोई ना कोई सौगात लेके आएगा, उसको भुनाना आपका काम है। हाँ, निश्चित रूप से 35वें से धन के योग बन रहे हैं, प्रॉपर अवस्था में बन रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से 42वें वर्ष से परिस्थितियाँ आपके अंडर में आती हुई दिखाई दे रही है और प्रगति बहुत अच्छी दिखती हुई दिख रही है। अभी 2-3 सालों तक बहुत ज़्यादा चीज़ों का फेरबदल होना थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। हाँ, कुछ अगर आप उपाय कर लेते हैं, कुछ क्रियाएं कर लेते हैं तो ज़रूर जो है इसमें आपको फायदा मिलेगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जो इंडेक्स की फिंगर है उसके नीचे का अगर भाग देखा जाए, जिसको आचार्य बृहस्पति कहते हैं, जो हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं, ये यहाँ पे शनि की तरफ झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं बहुत ज़्यादा रूप में। जब ये शनि की तरफ ज़्यादा रूप में ढलते हैं तो परिवार को लेके कुछ चिंताएं व्यक्ति के मन में आती हैं, या शादी नहीं हुई हो, विवाह नहीं हुआ हो, तो उसमें देरी का ये संकेत है। क्योंकि यहाँ पे जो है गुरु साधारण अवस्था में भी आ गए हैं और शनि की तरफ भी झुक रहे हैं, तो शादी में देरी होने का संकेत को बताती है। ये बताता है कि देखिएगा, जो ये धन का ग्रह है आपकी हथेली में साधारण अवस्था में बैठ गए हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए वर्तमान में दिखाई दे रहे हैं। हंसमुख स्वभाव जरूर रहेगा, दयालुता आपके अंदर रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी, आर्थिक पक्ष भी लगभग ठीक ठाक रहेगा, लेकिन यश पाने की प्राप्ति के लिए, नेम फेम पाने की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व तो आपका रहेगा, लेकिन जब गुरु साधारण रहता है तो अपने से बड़ों का सहयोग पाने में थोड़ा कठिनाइयाँ होती हैं। माने चाहे आपकी उम्र में बड़ा हो, चाहे पद में बड़ा हो, उनका सपोर्ट उस रूप में नहीं मिल पाता है। जब ये साधारण अवस्था में रहते हैं तो तमाम प्रकार की जो सुख है, माने संतान का सुख है, शादी ब्याह का सुख है, उसको मिलने में देरी होती है। और करियर के जो खास क्षेत्र होते हैं, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, जो आपका क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, राजनीति का क्षेत्र है, उसमें बहुत जल्दी और बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिल पाती है। इसमें कामयाबी मिलने में बड़ी देर लगती है, क्योंकि ये बृहस्पति का क्षेत्र है और बृहस्पति यहाँ पे साधारण अवस्था में है, तो चीज़ें अभी साधारण हैं। दूसरी बात है, विवाह होने में देरी की संभावना है और कम से कम ये पुष्ट होने में 2.5 साल लगाता है। तब तक आपको कुछ उपाय करने हैं जिससे शादी का योग जल्दी बन जाए और शादी आपकी हो जाए। अब अगर व्यक्ति की शादी किस प्रकार से होगी, ये भी आपकी हथेली दिखाती है। देखिएगा, जब यहाँ पे आचार्य बृहस्पति से हृदय की लकीर, जो हमारे रिश्तों को बताती है, वो निकले, तो ये बताता है कि ऐसे लोगों का प्रेम विवाह होता है ज़्यादातर, क्योंकि ये लोग दिल से ज़्यादा सोचने वाले होते हैं। अगर ये लोग प्रेम विवाह करना चाहें तो इनका प्रेम विवाह हो जाता है।
साथ साथ में अगर यहाँ पे देखें तो इस प्रकार की जो है बहुत सुंदर रेखाएं जीवन की रेखा के साथ साथ चल रही हों, तो ऐसे लोगों को दूसरों का सहयोग भी बहुत अच्छे रूप में मिलता है और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा इनके ऊपर होती है। ये जितना पुष्ट होता जाएगा, जितना सुंदर होता जाएगा, ये लव मैरिज का बहुत अच्छा सिग्नल माना जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है दो तीन चीज़ें आपकी हथेली में हैं जो लव मैरिज की ओर संकेत करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तीसरी बात, अगर हम ध्यान से अगर यहाँ पे देखते हैं तो अंगूठे के नीचे का जो ये भाग है इसको हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। ये हमारे जीवन में आकर्षण है, सौंदर्य है, वासना है और प्रेम के महत्व को ही दिखाता है। इस प्रकार से विकसित सुंदर और भव्य शुक्र का पर्वत विपरीत के प्रति जबरदस्त आकर्षण पैदा करता है। आपकी हथेली में ये शुक्र पूर्ण रूप से उठा हुआ है, विकसित है, कहीं ना कहीं आपका जीवन सौंदर्य की खोज में गुजरता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है और आप कोई भी कार्य है हर कार्य को औरों की बजाय बेहद नाजुकता से और खूबसूरती के साथ करते हैं इसकी ओर इशारा कर रहा है। हालांकि थोड़ा दयालुपन, उदार दिल, खुले दिल से खर्च करने वाला व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात है ये बहुत सुंदर जो है यहाँ पे मजबूत अवस्था में है, बेहतर स्थिति में है। अगर आपका प्रथम गुरु बृहस्पति भव्य अवस्था में आ जाता है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में कहीं ना कहीं आपका शुक्र आपको बहुत अच्छे फल प्रदान करेगा। आपके पास ग्लैमर आएगा, आपके पास चमक होगी, नाम और यश होगा, नेम फेम पाएंगे आप और निश्चित रूप से चकाचौंध रहेंगे और अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहना, ये चीज़ आपके अंदर ज़्यादा रहेगी। लेकिन ये चीज़ तब होगी, इसका फायदा आपको तब मिलेगा जब आपका बृहस्पति पुष्ट और सुंदर अवस्था में आ जाएंगे, तभी आपको जीवन का एक्चुअल सुख मिलेगा, अद्भुत सुख मिलेगा। और जीवन में चकाचौंध रहेंगे, चमक रहेगी आपके जीवन में, नाम और यश होगा जिसको आप चाहते हैं। अब दूसरी बात यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा आपके करियर और धन की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन एकाएक मस्तिष्क रेखा में रुक रही है। सावधान रहिएगा धन और करियर के मामले में, मस्तिष्क से जल्दबाजी में कोई फैसला ले सकते हैं इसकी संभावना ज़्यादा है और उस फैसले के कारण अपने डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को अवरुद्ध कर सकते हैं और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना कठिन हो सकता है। लेकिन फिर अगर आप देखें यहाँ से एक रेखा दृष्टिगोचर हो रही है और भाग्य स्थान की तरफ जा रही है, लेकिन एकाएक हृदय की रेखा में समाहित हो रही है। ये बता रहा है कि जब इस स्थिति में आएंगे आप तो जीवन का 42वें वर्ष से पुनः संभल जाएंगे और तरक्की पाएंगे, लेकिन आगे फिर भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा कार्य कर सकते हैं कि अपनी डेवलपमेंट को प्रभावित कर सकते हैं। जब करियर और धन की रेखा इस तरह से हो, पुष्ट न हो, सीधी नहीं जा रही हो, टूट फूट के आगे बढ़ रही हो, तो करियर और धन के मामले में स्टेबिलिटी नहीं रहती है, व्यक्ति स्टेबल नहीं हो पाता है। उतार चढ़ाव जीवन में लगातार आते हैं। जितना व्यक्ति मेहनत करता है, जितना व्यक्ति परिश्रम करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बावजूद वो ग्रोथ व्यक्ति को नहीं मिल पाती है जिसके लिए व्यक्ति ने अपने आप को खपा लिया हो। जो व्यक्ति के अंदर क्वालिटी होती है, जो व्यक्ति के अंदर योग्यता होती है, उस तरह से चीज़ें निखर कर नहीं आती हैं, उभर कर नहीं आ पाती हैं। क्या करना चाहिए? कार्यों में विलम्ब होता है, कार्यों में अड़चन आती हैं, या कार्य तब पूर्ण हो जाते हैं जब उसका समय निकल जाता है, उसका महत्व नहीं रह पाता है।
इसके लिए आपको जो है रात्रि के समय का एक महालक्ष्मी का उपाय होता है, उसको जरूर करना चाहिए। उसको मैं दूंगा, करिएगा, उसका फायदा आपको उठाइएगा। ठीक, निश्चित रूप से 42वें वर्ष से ज़्यादा अच्छे योग बन रहे हैं। 35वें वर्ष से लेके 55वें वर्ष तक कहीं ना कहीं धन के योग अच्छे बनते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब आपके ऊपर निर्भर करता है आप उपायों को किस प्रकार करते हैं, चीज़ों को किस प्रकार लेते हैं। यहाँ पे हृदय रेखा मैंने पहले भी बताई कि बृहस्पति से मिलती हुई दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर है, बहुत श्रेष्ठ है। ऐसे लोग सबके लिए सोचने वाले होते हैं और ऐसे लोग किसी एक खास विषय पर निपुण होते हैं, विद्वान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, तेजस्वी होते हैं और प्रेम के मामले में भी सर्वश्रेष्ठ होते हैं। हृदय की गहराई से प्रेम करते हैं, अंत तक निभाने वाले ये व्यक्ति होते हैं, लेकिन स्वाभिमानी होते हैं और स्वाभिमान में कई बार ऐसे लोगों के अंदर अभिमान का पुट भी आता है। दिक्कत तो नहीं है, पूर्ण तो विश्वासी है, विश्वास किया जा सकता है, इस प्रकार का व्यक्तित्व तो है, निर्मल हृदय का व्यक्तित्व तो है आपका, लेकिन आपको मान पद प्रतिष्ठा ऊंचे पद की प्राप्ति तब होगी जब आपका सूर्य पुष्ट और सुंदर होगा। देखिएगा, निश्चित रूप से आप उच्च अधिकारी बनने योग्य हैं, लेकिन आपको मान पद और प्रतिष्ठा, नेम और फेम और प्रतिष्ठा, पद, ऊंचा पद तभी मिल पाएगा जब आपका सूर्य सुंदर और भव्य अवस्था में आएगा। और उसके बाद जिस प्रकार का योग बन रहा है, चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, लेकिन वो तब करेंगे जब आपका सूर्य, आपका बृहस्पति भव्य अवस्था में आ जाए निश्चित रूप से, और तभी आपको राजयोग का फायदा होगा। आपका बहुत सुंदर राजयोग बन रहा है लेकिन ग्रह स्थिति ठीक नहीं है, जिसके कारण राजयोग का फायदा नहीं हो पा रहा है। देखिएगा, आपका अगर हम बुध देखते हैं, बुध की उंगली सीधी खड़ी है और आपकी सूर्य उंगली के पहले पौरवे तक पहुंचती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये अत्यंत सुंदर है। ऐसे जातक अगर आप प्रैक्टिकल रूप में देखें, व्यापारी वर्ग के लोग आपको मिलेंगे, चाहे छोटा हो, चाहे मध्यम हो, चाहे बड़ा हो, आपको व्यापारी ही ऐसा व्यक्ति मिलेगा। और ये व्यक्ति पहले अगर नौकरी करे भी, लेकिन लास्ट में वो व्यापार में ही जाता है और व्यापार में ही तरक्की को पाता है। ये मैंने प्रैक्टिकल रूप से देखे हैं हथेलियों का अध्ययन करके। अगर ऐसा व्यक्ति नौकरी भी करता है ना, चाहे वो प्राइवेट नौकरी करे, चाहे वो सरकारी नौकरी करे, ऐसा व्यक्ति अच्छे पद पे रहता है, अधिकारी वर्ग का व्यक्ति होता है, उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होता है। क्यों होता है? कि ऐसा जातक निश्चित रूप से अपने बलबूते पर कुछ करने वाला होता है और यही गुण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है। दूसरी बात, यहाँ पे अगर हम सूर्य को देखें, सूर्य की उंगली को देखें, तो पूरी तरह से झुकी हुई है यहाँ पे मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्रबल रूप में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बृहस्पति की उंगली से हल्की सी बड़ी दिखाई दे रही है आपकी सूर्य की उंगली, और मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। यश जरूर मिलेगा, समाज में मान प्रतिष्ठा मिलेगी और कहीं ना कहीं जो है सफलता पाने में भी सफल होंगे। देखिएगा, एक प्रैक्टिकल रूप हमने देखा है, जब ये उंगली इस उंगली के पहले पौरवे तक पहुँचे और ये उंगली इस उंगली से थोड़ी भी बड़ी हो और इससे छोटी हो और बृहस्पति सुंदर स्थिति में हो, भव्य स्थिति में हो, तो 99.9% मामले में ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं, क्योंकि राजयोग बनता है। 1% किसी परिस्थितिवश अगर ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति फिर व्यापार की तरफ जाता है और व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है, अपनी एक पहचान बनाता है और उस व्यापार के कारण जाना जाता है।
यहाँ पे बृहस्पति ठीक नहीं है, तो दोनों क्षेत्रों में से एक क्षेत्र में भी अभी उन्नति नहीं दिखाई दे रही है। ये राजयोग तभी फलित होगा जब आपका बृहस्पति सुंदर होगा, भव्य होगा, और साथ में आपका सूर्य भी कहीं ना कहीं जो है इसका साथ देगा। तो इसके लिए बहुत बेहतरीन उपाय मैं भेज रहा हूँ इस राजयोग को प्राप्त करने के लिए। हाँ, थोड़ा अगर यहाँ पे देखें दोनों के बीच में थोड़ा गैप दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा नेगेटिव है और जीवन में अपना प्रभाव डालेगा ही डालेगा। और जब भी आपका शनि बकरी अवस्था में आएगा, ढाइया में आएगा, 7:30 में होंगे, तब तब आपके जीवन पर इसका गहरा और लंबा प्रभाव पड़ेगा इस बात के, और ये पुष्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा देखें तो जो मिडिल फिंगर है ये पूरी तरह से झुक रखी है आपकी रिंग फिंगर की तरफ। एक चीज़ का आप ध्यान रखना, सहजता से सरलता से चीज़ें नहीं मिलेंगी, चाहे सफलता हो चाहे असफलता हो। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाके आप चीज़ों में सफल हो पाएंगे। और कई बार दौड़ा धोपी का काम भी रह सकता है, इस की ओर इशारा करती हुई आपकी शनि की उंगली बता रही है। बृहस्पति की उंगली भी पूरी तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है मिडिल फिंगर की तरफ। ये बहुत अच्छा है, श्रेष्ठ है, अपने आराध्य के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना रहेगी, समर्पित हो जाएंगे और धार्मिक भावनाएं भी बड़ी मात्रा में आपके अंदर रहेंगी। और निष्ठुरता क्रूरता आपको नहीं छू पाएगी, दिल के एक खूबसूरत कोने में सुंदर सा दयावान भावना बैठी रहेगी और ये जीवन पर्यंत रहेगा, इस बात की ओर जो है ये इशारा कर रही है। अंगूठा अगर आपका देखा जाए तो दोनों पोर बहुत अच्छे हैं। वास्तव में एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आया आपका, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। दोनों के बीच में अगर देखा जाए तो एक यव का आकृति भी दिख रही है। भावुक किस्म का व्यक्तित्व है, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व है, और चंद्रमा भी धीरे धीरे प्रबल होता हुआ दिखाई दे रहा है, गद्दीनुमा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छे सलीके से जीवन जीना ज़्यादा पसंद आएगा, ठीक है ना, कम पैसे में भी अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको अच्छा लगेगा। एक तहजीब पसंद व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसकी ओर आप अग्रसर होते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे इस प्रकार का कट दिखाई दे रहा है, ये ज़्यादातर जीवन काल के 42वें वर्ष से चीज़ों को बेहतरीन करना शुरू कर लेता है। ये इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे साफ दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे मस्तिष्क की रेखा देखें तो इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। सूर्य के ज़्यादा जो है मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन सूर्य कमज़ोर है। जब सूर्य का ज़्यादा प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है तो व्यक्ति के अंदर नेम फेम पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहती है। व्यक्ति उस और ज़्यादा अग्रसर रहता है, कार्य करता है, जिसमें व्यक्ति जो है जान पहचाना जाए, जिससे जिसमें बहुत सारे लोग व्यक्ति को जाने, व्यक्ति एक जो है नेम फेम कमाए, इस तरह व्यक्ति का मन ज़्यादा जाता है, क्योंकि सूर्य से प्रभावित मस्तिष्क की रेखा यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो नेम फेम की तरफ, यश की तरफ मन ज़्यादा जाएगा, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने की तरफ मन ज़्यादा जाएगा, और जब सूर्य प्रबल होगा तो इसका फायदा भी आपको निश्चित रूप से मिलेगा, लेकिन अभी वक्त लगेगा। हो सकता 2.5 साल का समय लगे, हो सकता जो है 5-1 साल का समय लगे नेम फेम पाने में, लेकिन मिलेगा, क्योंकि मस्तिष्क पूरी तरह से उसी ओर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई दिख रही है। देखिएगा, जीवन की रेखा बहुत अच्छी है, लेकिन जीवन में तरक्की जन्म स्थान से दूर ज़्यादा है, जन्म स्थान में बहुत ज़्यादा नहीं है। दूसरी बात, ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही सफलता जीवन में है। एक रेखा यहाँ से आती हुई इस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं भविष्य में व्यापार की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे, स्वयं के व्यापार की तरफ, और बड़ी मात्रा में बड़े रूप का व्यापार और प्रतिष्ठित व्यापार यहाँ पे दिख रहा है, और धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मणिबंध की रेखा देखें इस तरह से है, और शुरुआत इस तरह से, शुरू में मणि
संघर्ष है और कमी है, ठीक है ना, लेकिन उसके बाद बहुत सरलता है उस चीज़ से निकलने के बाद। ये जीवन काल का 35वां वर्ष हो सकता है, जीवन काल का 42वां वर्ष हो सकता है, चीज़ों को बेहतरीन करने का साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर देखें इसके नीचे का भाग, शुक्र का पर्व, पहले भी बोला मैंने शुक्र आपका बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, पुष्टता ली हुई है, यहाँ पे सुंदर दिखाई दे रहा है, तेजोमय अवस्था में है, आप तेजस्वी हैं, आपका व्यक्तित्व भी बहुत सुंदर है, सुंदरता आकर्षण आपके अंदर है, अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहने वाली हैं। दोनों मंगल देखें, पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है, एनर्जेटिक स्वभाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ, आपके ये साधारण भाव में बैठ गए हैं तो इसके बारे में हमने बता ही दिया है। शनि यहाँ पे जो है बहुत जो है रुष्ट अवस्था में है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठ गए हैं, यहाँ पे बैठ गए हैं, बेवजह की चिंताएं या कुछ ऐसी वजहें रह सकती हैं जिसके कारण चिंता बनी रहे। दूसरी बात है, कई बार दुखी से हो जाएंगे, कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी दिखने बैठ जाएगी, कई बार कार्यों में विलंब होगा और कई बार लगेगा कि मैं इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा हूँ, चीज़ों में धोखा ज़्यादा खा रहा हूँ और कहीं ना कहीं नौकरी चाकरी के मामले में वो ग्रोथ नहीं मिल पा रही है जो वास्तव में मिलनी चाहिए। वास्तव में आपका शनि जो है ज़्यादा अच्छा नहीं है, जिसके कारण चीज़ें बहुत बेहतरीन अवस्था में नहीं आ रही हैं, चाहे कोई भी आयाम हो जीवन का। सूर्य बहुत ज़्यादा डाउन स्थिति में है, देखिएगा, चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की खुशहाली हो, चाहे जीवन का उत्साह हो, चाहे ऊर्जा हो, अगर सूर्य इस प्रकार से रहता तो इन चीज़ों की चिंता करनी पड़ती है, इन चीज़ों की चिंता रहती है, ये चीज़ें अच्छी नहीं रहती हैं। दूसरी बात, जो व्यक्ति प्रयास कर रहा होता है वो प्रयास सफल नहीं हो पाता है, आपकी जो मेहनत है, आपका जो परिश्रम है, उसका पूरा श्रेय पूरा क्रेडिट आपको नहीं मिल पाता है, क्योंकि आपका सूर्य प्रॉपर ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो योग्यता आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें निखर नहीं रही हैं, उभर कर नहीं आ रही हैं, क्यों? क्योंकि सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। आपको सहजता से सरलता से रास्ता नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। अपने कार्यों में विस्तार पाने के लिए, अपने कार्यों में फैलाव पाने के लिए, अपने कार्यों में ग्रोथ पाने के लिए आपको सूर्य को प्रबल करना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए मैं आपको एक उपाय जरूर दूंगा, इसको ज़रूर करिएगा। बुध भी आपका अगर देखें निम्न भाग में बैठा हुआ है, वाणी की जो शक्ति आकर्षण करने वाली होनी चाहिए थी, अपने को व्यक्त करने की जो क्षमता होनी चाहिए थी, उसमें कमी को ये दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। हाँ, आपका चंद्रमा बहुत बेहतरीन स्थिति में आता हुआ दिखाई दे रहा है, ये बहुत जल्दी मानसिक रूप से आपको बहुत ज़्यादा मजबूती प्रदान करेगा, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा लेगा और कहीं ना कहीं जो है हार्मोनल सिस्टम को भी बढ़िया कर लेगा, क्रिएटिव रहेंगे, क्रिएटिविटी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं महिलाओं का सहयोग जीवन में मिलेगा, इस बात की और संभावना ये दिखा रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके आपको भेज रहा हूँ, उसी हिसाब से करिएगा, निश्चित ही जीवन में सफलता आपको मिलेगी, इसके बेहतरीन परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।